हम भी तो पाँच बार ओथ लिए हैं 2023 साल हो गया सिस्टम में, हमको तो ना कोई पदाधिकारी दबाया। सुनील सिंह के बोलने से फर्क पड़ता है आरजेडी में कि नीतीश क्या नाम है लालू जी राबड़ी जी और तेजस्वी जी के कहने से फर्क पड़ेगा। मेरे कहने से फर्क पड़ जाएगा जेडीयू में कि ललन सिंह और नीतीश जी के कहने पर फर्क पड़ेगा। हम कितना अभी बक करते रहें क्या फर्क पड़ना है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भाषा है ना, जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं आरजेडी के लोग। हम काहे के लिए नोटिस लेंगे, हम लालू जी को नोटिस लेंगे, राबड़ी जी को नोटिस लेंगे, उनका तेजस्वी जी का नोटिस लेंगे कि हम सुनील जी का नोटिस लेंगे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। क्या बिहार के महागठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है? हम ऐसा इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि तरह तरह के बयान आ रहे हैं। ठीक है, शिक्षा मंत्री को लेकर बहुत सारी बातें हुई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी मुलाकात की शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर से, और फिर बातें सुलझती हुई दिख रही हैं। हमारे साथ अशोक चौधरी हैं, बिहार के मंत्री हैं। जिस तरह से कल महागठबंधन पर हम इसलिए सवाल खड़े कर रहे हैं कि जिस तरह से कल आरजेडी के मंत्री सुनील सिंह ने कहा कि सीके अनिल को भी एक समय में भेजा गया था नीतीश कुमार के द्वारा उन्हें सैंतने के लिए, तो नीतीश कुमार रखते हैं ऐसे 4-5 आईएएस ऑफिसर विपन्स की तरह इस्तेमाल करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर कैसे ठीक हुआ? ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या थी बिहार की? लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या थी आप बताइए ना, आप तो पुराने समय से। आप बताइए ना, हम तो 2000 में भी मंत्री रहे थे, तो क्या स्थिति थी लॉ एंड ऑर्डर की? लोग बाहर निकल पाता था? इस प्रदेश में 8 बजे के बाद 9 से 12 पिक्चर भी देखने को जाता था? कितना किडनैपिंग होता था? कितना डॉक्टर किडनैप हुआ पटना से? कितना बिजनेसमैन किडनैप हुआ पटना से? है ना रिकॉर्ड? तो कैसे हुआ? तो कुछ कड़क पदाधिकारी आए जिनकी इंटीग्रिटी अच्छी थी, जिनका इंटेंशन अच्छा था, तब तो जाके ये लॉ एंड ऑर्डर सही हुआ। कुछ ना कुछ तो नीतीश कुमार के कार्यशैली कार्य प्रणाली अलग तो है ही ना है। ये नीतीश कुमार की देन है ना कि जो प्रदेश बदला है, यहाँ पर माहौल बदला तो है। और किसका देन है और किसको क्रेडिट दीजिएगा? सिर्फ नीतीश कुमार का देन है, तो नेता वही है तो नीतीश कुमार के देन है, तो और कौन है? मुखिया इस प्रदेश के वही है ना भाई। ये 32,000 करोड़ का बिहार 2,18,000 2,62,000 करोड़ का हो गया, ये किसका देन है? नीतीश कुमार का देन नहीं है तो किसका देन है? हु विल गेट द क्रेडिट? 7 निश्चय पार्ट 1 7 निश्चय पार्ट 2 किसका देन है? नीतीश कुमार का देन है ना भाई। BIT IIT NIT चाणक्य लॉ कॉलेज, यहाँ पर चंद्रगुप्त मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, आर भट्ट नॉलेज इंस्टीट्यूट, कौन लाया? किसी का क्रेडिट है क्या इस प्रदेश में? तो जो आदमी करना चाहते हैं, चीज़ों को संवारना चाहते हैं, उनको पता है ना कि कौन पदाधिकारी कहां पर इफेक्टिवली काम करेगा। ही हैज गॉट एक्सपीरियंस ऑफ 18 इयर्स एज ए चीफ मिनिस्टर। आईएएस को विपन्स की तरह इस्तेमाल करके मंत्री को दबाइएगा? हैं, आईएएस को विपन्स की तरह इस्तेमाल करके मंत्री को दबाया जाए? कौन मंत्री को दबा? हमको तो नहीं लगता है कि कोई मंत्री दबाया जाता। हम भी तो पाँच बार ओथ लिए हैं 2023 साल हो गया सिस्टम में, हमको तो ना कोई पदाधिकारी दबाया। हमको तो ना, हम तो महाजन साहब के साथ किए, गंगवार साहब के साथ किए, 8-8 को डिपार्टमेंट देखे हैं, हमको तो कोई पदाधिकारी नहीं। हम एजुकेशन डिपार्टमेंट 2 साल देखे, हमको तो कोई पदाधिकारी नहीं दबाया। हम तो नीतीश जी के साथ भी थे, नीतीश जी के एज ए अलायंस पार्टनर भी थे, हमको तो कोई पदाधिकारी नहीं दबाया। जिस तरह से गठबंधन में रहकर सुनील सिंह इस तरह से बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि इससे फर्क पड़ेगा? हैं, फर्क पड़ेगा गठबंधन पर जिस तरह से सुनील सिंह ने कल आरोप लगाया? काहे क्या फर्क पड़ेगा? सुनील सिंह के बोलने से फर्क पड़ता है आरजेडी में कि नीतीश क्या नाम है लालू जी राबड़ी जी और तेजस्वी जी के कहने से फर्क पड़ेगा। मेरे कहने से फर्क पड़ जाएगा जेडीयू में कि ललन सिंह और नीतीश जी के कहने पर फर्क पड़ेगा। हम कितना अभी बक करते रहे क्या फर्क पड़ना है, क्या फर्क पड़ना है? लेकिन कब तक बड़ा आरोप लगाया ना आप अपने नेता की, इतनी प्रशंसा करें कि नीतीश कुमार आईएएस का इस्तेमाल करते हैं सहतने के लिए, उन्हें दबाने के लिए, और शिक्षा मंत्री के साथ भी वही कर रहे हैं। ऐसा है कि जदयू के पास भी, जदयू के जो शब्दकोश हैं, जब जदयू के पास भी एक से एक धुरंधर प्रवक्ता हैं, एक से एक धुरंधर नेता हैं, और जदयू के शब्दकोश में भी हिंदी के एक से एक शब्द हैं। हम लोग गठबंधन चलाने वाले लोगों में से हैं, हम लोग चाहते हैं कि गठबंधन चले और मजबूती से चले। हम लोग चाहते हैं कि पूरा देश देखे कि किस तरह का ये गठबंधन प्रदेश में बना है और कितना फर्म और कितना मजबूत गठबंधन है। और कुछ लोगों को कहीं एजेंडे पर कुछ काम कर रहे होंगे, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भाषा है ना, जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं आरजेडी के लोग। बीजेपी की बोल रहे हैं ना, तो भाषा उसी तरह की है ना। बोल क्या है, बीजेपी को कोई ट्रेनिंग करके आया है, PhD करके आया बोलने का? भाषा उसी तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आप कहेंगे, अंतिम सवाल है कि उनके नेता उन्हें समझाएं ताकि इससे
हम लोग कोई नोटिस नहीं ले रहे हैं, समझाने का क्या मतलब है? सुनील सिंह को नोटिस नहीं ले रहे हैं? हम काहे की नोटिस लेंगे? हम लालू जी को नोटिस लेंगे, राबड़ी जी को नोटिस लेंगे, उनका तेजस्वी जी का नोटिस लेंगे कि हम सुनील जी का नोटिस लेंगे? प्रवक्ता थोड़ी है पार्टी के। देखिए, जब वार पलटवार शुरू हुआ है उस तरफ से भी बातें हो रही हैं, तो इस तरफ से भी पलटवार सामने निकल के आया है। आपने सुना है अशोक चौधरी ने कैसे उन पुराने दिनों की याद दिलाई है, बिहार में क्या क्या हुआ करता था, क्या हाल था पहले, और नीतीश कुमार ने ही सुधारा है, इस नए बिहार को बनाया है। अशोक चौधरी ने क्या कुछ कहा है, सुनील सिंह को नोटिस नहीं लेते हैं? आपने सुना है वार पलटवार जारी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।